हमारे चैनल निखरास वीडियो और अभी हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। ये है उसकी कार पार्किंग और कार पार्किंग का चार्ज है 50 रुपीज़। वैसे तो ऊपर तक भी कार जाती है लेकिन वहाँ पार्किंग फुल हो गई है इसलिए हमको नीचे कार पार्क करना पड़ा है। और अभी हम जाते हैं, यहाँ से बस से जाना पड़ेगा हमको, तो बस का टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। बस और स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट एक ही है, साथ में ही है। नहीं, अपन को इस तरफ से चलना है। देखो आप गाइस, बता रहे ये पूरी बस की लाइन है और अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे। सामने ये लॉकर्स रूम है, हमारा टिकट काउंटर है ये सामने। और बस के लिए शायद हमें भी वापस इसी लाइन में लगना पड़ेगा। देखते हैं हमारी बस कब आती है, पहले टिकट ले लेते हैं। आई थिंक मैं लाइन में लग जाऊँ, आप टिकट ले लो। सो गाइस, हमने टिकट तो ले लिया है और हमारा बैड लक है कि 380 वाला जो टिकट होता है जिसमें हमें ऊपर तक जाने को मिलता है वो फुल हो चुका है। तो हमें बस सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर ही देखने को मिलेंगे, तो बस वही देखते हैं। फिर हेलीकॉप्टर का ही हमने पूछा तो बोले अभी वो भी बंद चल रहा है, बोट राइड है, उसका टिकट अंदर से ही मिल जाएगा। तो बस अभी तो हम उतने में ही खुश हो जाते हैं। परी पानी पी रही है, परी को हाथ से पानी पीना सिखा रहे हैं यहाँ पे प्याऊ में, वो सीख रही है। मजा आया पानी में? अभी और तो नहीं पीना, और पानी पीना? अब उसको शौक, अब उसको शौक लग रहा है, अब उसको पानी नहीं पीना है लेकिन शौक लग रहा है। तो इनको तो स्टाइल हीरोइन उनने अपनी यासीन चढ़ा ली है, अब वो अपने हैंड से कर रही है। हाँ देख लो बेटा, देख के पियो, चलो पियो। अभी क्या करना है? बस बस हो गया, अब गंदा मत करो, चलो। हाँ देखो ऐसी टेंशन में बस की लाइन देख के, और बस अभी आई नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। यहाँ उस तरफ पानी पीने की सुविधा भी है, यहाँ वॉशरूम के लिए भी है, तो वॉशरूम के लिए भी टेंशन नहीं है, बस ये बस की लंबी लाइन की टेंशन। देखते हैं जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, एक बार बस आएगी तो आई थिंक आधे लोग तो खाली होंगे सड़ा सा मुंह बनाते हुए लाइन देख के। हाँ गाइस, और बता दें इसकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी होती है, वो हमें मालूम नहीं था। उसमें अपने टाइम स्लॉट पर आना पड़ता है और अपने देसी अंदाज में तो कभी भी आ जाओ टिकट लेके घुस जाओ। बस रिस्क ये रहती है कि अभी टिकट सोल्ड आउट हो गए थे तो हमें ऊपर नहीं देखने को मिलेगा वल्लभ जी पटेल को, सिर्फ पैर छू के आ जाएंगे उनके। ऊपर क्यों नहीं जाने देंगे? वो वाले टिकट सोल्ड आउट हो गए ऑलरेडी, उसकी एक फिक्स लिमिट है, उससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। बनवाने आती एक एक बनाओ पहले आप, मीठा से बनाना। आसू छे नींबू छे, इतना मोटो कितना बड़ा नींबू। चलो 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 अपनी लाइन, ये नींबू है ये, आ जाओ उसमें दो ना, पहले उसको फेंक दो। 10 का एक अमरूद है इसीलिए उसने एक ही लिया। फिर लॉकर रूम है सामान डिपॉजिट के लिए। ये हमारी लाइन चलते हुए काफी लंबी लाइन है और बस अभी एक शायद आई है। हाँसी का मुंह देखते हैं कैसा बना हुआ लाइन की वजह से। अरे देखो ये दूर दूर गिरगिट, ये गिरगिट है, उसको छूना नहीं है बेटा। नहीं नहीं छूना नहीं है, बुलाते नहीं बेटा, वो खतरनाक होता है। अब एक साथ बसें जाएँ तो काफ़ी सारी बसें जा गई हैं, तो बस हमारा नंबर आ जाएगा 5-10 मिनट में। टिकट रेट फॉर फॉरेन विजिटर्स है फुल टिकट 1500, चाइल्ड टिकट ये बस शकल है, जहाँ से आप देख रहे होंगे बस शकल सेवा है। स्टिल इट इज़ अ लॉन्ग क्यू, यू कैन सी, हाँ आई कैन सी, वहाँ से बस में जा रहे हैं, बहुत पीछे है अभी तो। इंतजार खत्म हुआ, बस इतने सी लाइन, दो कदम दूर बस से ये ये परी, ये परी। बस स्टार्ट हो गई है, जर्नी बिगिन। परी आजा बेटा, वहीं बैठना है। मैं आऊं तो तुम यहां बैठो, पीछे धक्के लगेंगे यार बेटा, पीछे पूरे जंप हो जाएंगे। चलो बैठा दे कंफर्टेबली, और क्या है, ठीक है चलो। परी की डिमांड पे हम लोग पीछे जा रहे हैं। अरे वाह, हां यार रिवर राफ्टिंग है इस एरिया में, ये काफी अच्छा नजारा पहाड़ों का।
रही हूँ अभी मैं। देखो देखो हाँ। ये आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सभी लोग उतर रहे हैं। ये देखो इस औरत का सड़ा सा यही है बस इसका नेचर। लड़ेगी तो कैमरा बंद करेगी और कैमरे के सामने हंसी ठहा के चालू इसके। देखो देखो मैं नहीं लड़ती, आप लड़ती। ये आप देख रहे हैं सरदार पटेल जी का स्टेचू, जहाँ हम आए स्टेचू ऑफ यूनिटी में। बस अभी हम जाएंगे अंदर घूमने। गाइज ये आपको दिखा दें, ये सरदार सरोवर डैम है जो आपको दिख रहा होगा, सरदार सरोवर डैम। और इससे लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो गाइस बस ने हमें यहाँ पहुँचाने में लिए लगभग 10 मिनट लिए। ये बसें हमें यहाँ पर ड्रॉप कर देती हैं और आप देख रहे हो सारी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या नज़ारा है, कैसा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पूरा आपको बताएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तब तक कुछ खास बातें सुन लीजिए। अब वो कई बार कोशिश कर ली है हासी ने, किसी ने किसी वजह से रह जाती, फिर से स्टार्ट। हाँ तो ये ना आपको पता ही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू जो है वो यही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये जो स्टैचू है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इसका साइज लगभग डबल है इसकी हाइट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 92 मीटर की और ये 93 मीटर की और ये अप्रोक्स डबल यानी 182 मीटर की है। इसे बनने में लगभग 3500 करोड़ का खर्चा आया था और इसमें केवल इंडियन लेबर्स ही इंक्लूड नहीं थे इसको बनाने में, चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ भी आए थे, 200 लगभग चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ भी थे। और उसके बाद ये 4 मेटल से बनी हुई है, 85% पार्ट कॉपर का है, जिससे ये मतलब लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, जंग नहीं लगेगी इसमें। जंग नहीं लगेगी। और दूसरी बात की जो 6.5 तक की भूकंप की तीव्रता यह सहन कर सकती है और 180 किलोमीटर पर आवर की जो विंड फ्लो है वो भी ये झेल सकती है, झेल सकती है, मतलब भूकंप में ये गिरेगी नहीं। कितनी भी तेज हवा आ जाए ये वहीं के वहीं टस से मस नहीं होगी। दिस इज द वॉल ऑफ यूनिटी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ ही बनी हुई है जिसकी टैग लाइन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, यहाँ पे जाने की लाइन आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है। जस्ट कम इन द कवरेज एरिया। यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ मिल रहा है। और ये हमारे स्टैचू सरदार वल्लभ जी का स्टैचू, उसके पास ही हम जाते हुए। हाथी शायद कुछ लेने चली गई, 10 की तो आनी बंद हो गई हाथी। अच्छा ऐसा क्या, मैंने ये ले लिया है, मैं ना बहुत गर्मी लग रही है सच में और सर्दी का मौसम। ये देखो ब्लॉग बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलेंगे लोग। माजा गई, माजा मेरे हाथ में ले नहीं दी। देखा आपने ये कुछ है ड्रीम ऑफ, ये रिवर राफ्टिंग है, आज का सोल्ड आउट है। कल का मिलेगा? कल का मिलेगा सर, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। मम्मी का दूसरा पापा का। थैंक यू बेटा। लाल लो डस्टबिन में, वेस्ट उस तरफ ब्लू। देखो वापस लाइन आ गई है, लाइन ही लाइन हर जगह है लाइन। अब हम बस पहुंचने वाले हैं। चलो ये यहाँ पे हो रही है मेट्रो वाली एंट्री, ये एंट्री हो चुकी है, अभी भी लंबी लाइन है। टिकट चेक हो चुका है एक्चुअल में, यहाँ पे मेट्रो जैसा टिकट एंट्री है। आप देख रहे हैं पहले ये फिर ये तीन चार बार ऐसे घूमना है हमको। वैसे सरदार पटेल जी भी हमारे पूजनीय ही है, तो मंदिर जैसा लाइन होना स्वाभाविक है। Finally we reached. Hello.
आकाश का व्यू है और ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम जा रहे हैं और यहाँ पे चलने की जरूरत नहीं, इसके लेटर्स हैं जो एयरपोर्ट पे मिलते हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। और ये देखो ऊपर सारे टेंट बना रखा है इन्होंने, जिससे क्या हमें धूप ना लगे, सुंदर बनाने। ये देखो काफी सुंदरीकरण हो रहा है, अभी देख काफी लंबा है, परी को बहुत इंटरेस्ट, ऐसे ही जाते जाना है। ओ, मैं भागा, परी के पीछे मुझे भी भागना पड़ रहा है। टू 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 हवाई कटुले को कवर करने के लिए कटुले को। मम्मी रह गई इनके पीछे, परी मम्मी कहाँ है? पीछे। मम्मी को तो बुलाओ। आ गई मैं। चलो, परी ने खूब दौड़ लगा ली, एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ गई। और जमीन आ गई, अभी आगे वापस। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, नीचे भी कुछ गैलरी है। देख हम पहले ऊपर का कवर करके आते हैं, यहाँ पे है और हम जाएंगे यहाँ से ऊपर। और ये काफ़ी ऊंची, आप देख सकते हैं 183 मीटर, 6 मंजिला से ऊपर है। इसके लेटर से दौड़ती हुई, पर खुश हो रही है जंपिंग करते करते। देखो हमारा ये मंकी बन गया। ओ मंकी मंकी मंकी, पीछे देखो, हाय बोलो। वन मोर एस्केलेटर, ये हमारे गट्टू तो हमें क्रॉस कर गए जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के। और ये हम आ गए हैं सरदार पटेल साहब का पैर। और ये देखिए अमेजिंग स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट इमेजिन। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं हम सरदार पटेल जी के पास ही हैं, स्टैचू के बिल्कुल नीचे। बहुत ही भारी स्टैचू है। हाँ यार, सच में बहुत बड़ा, मतलब विशाल का इसको बोलेंगे, इसको जाइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये हम आ गए हैं पीछे तरफ, यहाँ से भी बस थोड़ा ही दिख पा रहा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, नीचे से ज़्यादा अच्छा कवर हो रहा था। यहाँ पानी की सुविधा भी है, वॉशरूम की भी है, हमारे ब्लॉगर साहब वॉशरूम गए हैं तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, एक्चुअली तो मैं ही करती हूँ, उन्होंने छुड़ा रखा है मेरे से, मैं करूँगा। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ भी नहीं है हमें बताया, वो सिर्फ व्हील चेयर से जाने के लिए है। और ये आप देख रहे हो ये फर्स्ट फ्लोर पर भी काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट है। और हम जा रहे हैं नीचे, ये देखो साहब नर्मदा का, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना अच्छा दिख रहा है। और ये हम उतर रहे हैं एक्चुअल में, एस्केलेटर उतर रहे हैं एस्केलेटर से, अभी तो 4-5 एस्केलेटर चढ़े थे तो 5 मंजिल हमें उतरना भी है। और देखिए सरदार पटेल जी वहाँ से ऊपर से तो हम कवर ही नहीं कर पा रहे थे, इतने बड़े हैं, हम अब यहाँ से कवर कर देंगे। और हमारे पास ड्रोन भी नहीं है कि हम ड्रोन से कवर करें, वही गरीब यूट्यूबर हैं। अभी हम लोग देख के आ गए, उसके पास आ गए, होके आ गए, पैर वैर छू के आ गए, आशीर्वाद लेके आ गए कि ऐसे ही लॉ पुरुष हमें बनाओ, लॉ वुमन पति से खूब, हाँ स्ट्रॉन्ग वुमन पति से खूब लड़ने की ताकत दे, जैसा उन्होंने लड़के। मैं नहीं लड़ती, आप लड़ते। ठीक है, जय माता दी। और गाइस ये है म्यूजियम, हम इसकी तरफ जा रहे हैं, ये देखो ये देखो हमारी परी तो चकते चकते जा रही है। कुछ बोलना है म्यूजियम के बारे में? हाँ इधर से एंट्री है म्यूजियम की। हाँ हम एंट्री ले रहे हैं भाई, म्यूजियम है या कुछ और भी है यहाँ पे? खाने पीने वाला भी है, वो बाहर है, ये इंफॉर्मेशन डेस्क है। और बाकी क्लीनलीनेस देखिए कितना क्लीन हो रहा है, अरे वाह। अंदर आ गए हैं, यहाँ बहुत कुछ है, टॉयलेट्स भी हैं यहाँ पर। This is the layout for the Statue of Unity Museum। हाँ आशी ने कुछ बताया हमें पढ़ के। यार लेना। और ये आप देख सकते हैं जो मैं कितनी प्यारी सरदार वल्लभ भाई की फोटो है। Statue of Unity में आपका स्वागत है। ये पूरा पिक्चर गैलरी है जब इन्वील हुआ था। पिक्चर गैलरी, ये भी सरदार वल्लभ भाई, पीछे भी सरदार वल्लभ भाई। फेस का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है सरदार पटेल जी का।
ये प्रतिमा के निर्माण की वीडियो, ये हमारे लौह पुरुष की एक और प्रतिमा। ये देखो, ये फर्स्ट फॉर्म टूल जो 2013 में एक अननोन फार्मर द्वारा डोनेट किया गया था इसके लिए, वो है ये हथौड़ी का। और ये अपना ये फ्लैग है, हिस्टोरिक फ्लैग विच वाज यूज्ड बाय होनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर लोहा कैंपेन। देखो ये सरदार सरोवर टेम, और ये अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये थिएटर चल रहा है, यहाँ पे मूवी चल रही है, नर्मदा योजना जनता का विकास योजना। जो विलेजर्स का वर्क है अपना ये सब बनाना, फिर ये जाता है लोगों के। ये प्लेज हो रही है ऐसे, ये देखो प्लेज चल रही है, ये लोग झरने 20 साल के हैं, बड़ौदा लोकेशन से प्लेज की। तो आप ये लाइन देख रहे हैं, व्यूइंग गैलरी के लिए है ये, 380 वाले टिकट में अवेलेबल होती है, जो कि आज फुल था, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले पाए। और इसके लिए आपको एक बात बताएं, एक एक्सप्रेस टिकट की भी फैसिलिटी है, जिससे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं विदाउट लाइन में लगे हुए। तो अभी अभी हमने पता किया कि भाई ये जो इतनी भीड़ है आज, ये आज ही है कि रोज़ रहती है, तो मुझे पता चला कि 25-30 हज़ार लोग हर रोज़ आते हैं यहाँ, रोज़ भीड़ रहती है यहाँ पे। अनदर थिएटर, इसमें अपग्रेडेशन फैसिलिटी भी है, अगर आपने बाहर से नॉर्मल टिकट लिया, बाकी आपका मन करता है व्यूइंग गैलरी देखने का, तो आप 230 देके दे सकते हो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो ही मिलेगा आपको। बाकी एंट्री टिकट आपको, अगर एक्सप्रेस टिकट में विदाउट लाइन आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप 880 देके अपग्रेड कर सकते हैं। अभी गैलरी टिकट को एक्सप्रेस गैलरी के लिए अपग्रेड करने के 650 लगता है, तो ये सारे चार्जेस हैं। दैट मीन्स अगर आपने बाहर से सस्ता भी टिकट लिया, तो अंदर आप अपग्रेड करा सकते हो। गाइस, ये इनका कैफेटेरिया है, फूड कोर्ट है अपना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वॉश एरिया भी है, काफ़ी अच्छी ब्रांड भी है, कैफे कॉफी डे भी है, सबवे भी है, और बाकी नॉर्मल आइसक्रीम आइसक्रीम शॉप भी है। ये देखो इंस्टाग्राम के शौकीन अपना इंस्टाग्राम स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं। सो गाइज, अभी यहाँ लेजर शो होंगे, ये जो सिटिंग आप देख रहे हैं ये लेजर शो के लिए है। ये सनसेट दिखता हुआ, पहाड़ियों में छुपता हुआ सन, ये स्टैचू है और सन लगभग पूरा झुक गया है। वाओ, ऑसम व्यू ऑफ सनसेट। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, यू कैन सी हियर। वाओ, नंदा ये जो लाइट जल रही है, आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी, दिस इज द हार्ट ऑफ आवर आयरन मैन। हाँ, ये तो
अभी हमें अंकल जी मिले, इनका बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्होंने बताया हमें 42 पर्सन्स हैं, 45 पर्सन्स का ग्रुप है लगभग, सब रिटायरमेंट लाइफ वाले, 55 से 65 साल के लाइफ वाले, और उन्होंने बताया पूरा ग्रुप उनका एक साथ घूमता है। हाँ, कभी यूरोप, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, हमारा भी आ रहा है ना, आ रहे हैं, आ रहे हैं, कभी सिंगापुर, कभी बैंकॉक, कभी बैंकॉक, कभी पटाया। तो अंकल आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? किया, तो आप उसका वीडियो देखना, आपका भी आएगा, जरूर 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 देखेंगे। और अंकल ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, यहाँ पे इन्होंने बताया जो आसपास की प्लेसेज हैं वो उतने खास नहीं है, फिर भी अगर ट्राई करना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, बाद में तुम्हारा डैम, वो सब डेवलप अच्छी तरह से और होना चाहिए, ताकि गार्डन में भी पूरा डेवलपमेंट अच्छे से हुआ नहीं है, वो भी पूरा हो जाना चाहिए। लोग तो पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन और भी लोग आएंगे, और अपने सरदार पटेल स्टैचू का इतना ना वर्ल्ड में नाम हो रहा है, और अच्छी तरह से इससे अच्छा नाम और होगा। थैंक यू। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम जलगांव, पूरा ग्रुप जलगांव से, जलगांव से हम 45 लोग आए हैं, 45 कपल, कपल 45 कपल्स हैं ना कि 45 पर्सन्स हैं। यानी 90 लोग। ओह वाह, तो सभी स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने आए हैं, बताओ कैसा लगा आप लोगों को स्टैचू? एक नंबर। हम सभी को सैल्यूट करते हैं, जिन लोगों ने ये बनाया, जिन लोगों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की, उन सभी को हमारी पूरी जलगांव की टीम की तरफ से सैल्यूट है। और इसका इसकी खासियत है, इसका आर्टिस्ट, इसका जो आर्किटेक्ट है वो हमारे महाराष्ट्र का और दुनिया का ही है। अरे वाह, ये एक अच्छा फैक्ट बताया इन्होंने। सुतार करके नाम है, बाप बेटे ने मिलके बनाया है, दोनों बाप बेटे शायद आर्किटेक्ट है, पता नहीं, पर दुलिया के ये आर्किटेक्ट है, उन्होंने बनाया। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके हमें फॉलो करिए। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ आए हैं तो आप बताइए कि आपको यहाँ पर कैसा लगा। हमें तो बहुत मजा आ गया, और काफ़ी क्राउडेड प्लेस रहता है ये, और काफ़ी अच्छा है, देखने जैसा है, मस्ट विजिट प्लेस है गुजरात में। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ सुनिए, इसमें एक बात और, अभी आगे कुछ प्लेसेस इसके आसपास के और भी हैं विजिट करने के लिए, तो वो हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोज में आएंगे।